हम तो बीजेपी को जिताएंगे भैया। क्या है दूसरा कोई आप बताइए प्रधानमंत्री का ऑप्शन है जिसको आप प्रधानमंत्री बना सके नरेंद्र मोदी को छोड़कर? कोई भी ऑप्शन दीजिए मेरे को आप। कोई नहीं है, कोई भी नहीं है, एक ही ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, इसलिए जिताएंगे। दूसरा हमको भी वही लग रहा है, मोदी को प्रधानमंत्री बनाएंगे और किसी को मोदी बनेगा। अच्छा काम वही कर रहा है सारा। प्रधानमंत्री तो मोदी जी बनेंगे, कामना के प्रमाण सब तो चोरे बना था। अरे कोनो बढ़िया लालू जादू के हमने वोट दे। अभी मैं मौजूद हूँ रक्सौल रेलवे स्टेशन पर, यहाँ पे काफी सारा लोग मौजूद हैं और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूँ, नेपाल, उत्तर प्रदेश, बंगाल और उड़ीसा तक के लोग यहाँ पे मौजूद हैं। तो चलिए लोगों से हम जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर इस बार कौन बाजी मारेगा, कांग्रेस या बीजेपी, इंडिया गठबंधन या एनडीए गठबंधन। तो चलिए लोगों से बात करते हैं कि लोगों का क्या कुछ कहना है। हम तो बीजेपी को जिताएंगे भैया। क्या है दूसरा कोई आप बताइए प्रधानमंत्री का ऑप्शन है जिसको आप प्रधानमंत्री बना सके नरेंद्र मोदी को छोड़कर? कोई भी ऑप्शन दीजिए मेरे को आप। कोई नहीं है, कोई भी नहीं है, एक ही ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, इसलिए जिताएंगे। दूसरा कोई भी लोग रेल बेच दिए, लाल किला बेच दिए, आप ये बताइए अभी दूसरा ऑप्शन कोई है नरेंद्र मोदी को छोड़ के? आप राहुल गांधी को बनाएंगे? वो आलू से सोना बनाता है, आप राहुल गांधी का बना दीजिएगा? कोई दूसरा संतुष्ट है आप? हाँ मोदी, दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। इस बार किसकी सरकार, कौन बनेगा आपकी प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री तो मोदी जी बनेंगे। का है? और बनेंगे मतलब अच्छा काम हो रहा है, काम अच्छा हो रहा है। अब रह गया बात क्या बोलते हैं, कुली है। हाँ जी सर, कुली लोग भी खुश है। हाँ खुश है, मोदी से खुश है। उनको भी वही लग रहा है मोदी को प्रधानमंत्री बनाएंगे और किसी को मोदी बनेगा। अच्छा काम वही कर रहा है सारा, घुसखोरी सब कुछ खत्म कर दिया, तो किसको बनाएंगे? उसके अलावा कोई प्रधानमंत्री बनने लायक है नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है। जीता हो जाओ मोदी जी। क्या है इसलिए कि वो भारत के लिए बहुत अच्छे काम किए हैं। क्या किया है? जूता चप्पल आप भी सी रहे हैं? नहीं हम मोदी के लिए क्या किया है मोदी? देखिए हम मोदी जी के लिए, मोदी जी तो मतलब बहुत अच्छा काम किए हैं और हम जो जूता चप्पल का काम नहीं करते हैं, ये बेग बनाते हैं और दस्तवन मतलब बेचते हैं। हाँ और यहाँ मोदी जी के आने से बहुत अच्छा सुरक्षा मतलब कि हमको भारत में मिला है और ये लोग से क्या बोलते हैं कि मोदी जी हिंदू मुस्लिम करते हैं? नहीं नहीं नहीं, उनके पास कहाँ हिंदू मुस्लिम है, कोई नहीं हिंदू मुस्लिम, सब एक है उनके लिए। किसको बनना चाहिए इंडिया का प्रधानमंत्री? मोदी जी को। किसको बनना चाहिए भारत का प्रधानमंत्री? राहुल गांधी। राहुल गांधी, आप भैया? राहुल गांधी। चलिए राहुल गांधी भैया, रुका क्या लगता? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी फैन से? दस साल में महंगाई ज्यादा हो गई, लोग को आता है सब कुछ महंगा हो गया, सब कुछ सस्ता ही होगा। कामना के प्रमाण सब तो चोरे बना था। अच्छा कोनो बढ़िया लालू जादू के हमने वोट दे। अच्छा बा मोदी जी बने, दूसर के बा मोदी जी बने। गरीब खातिर का चाहे, रोड चाहे, बिजली चाहे, दूसर का चाहे, सब मिलता, एकदम खुश बने। कहाँ से आप? बंगाल से। बंगाल से, तो क्या लगता है कि बंगाल में किसको लोग पसंद कर रहे हैं, मोदी को या राहुल को? कैसे बोलेंगे हम तो, अच्छा तो मोदी है, ठीक ही है मोदी है। मोदी जी। आप कहाँ से भैया? वेस्ट बंगाल से। कौन किसको आना चाहिए इस बार? बोले तो मोदी जी को। मोदी जी। बंगाल में भी मोदी जी का जादू छाया है अभी तक। चलिए आप भैया कहाँ से हैं? शीतलपुर यानी रक्सौल। तो चलिए इस बार मोदी सरकार। मोदी सरकार। संजय जायसवाल। संजय जायसवाल। लोग तो कह रहा है कि संजय जायसवाल काम नहीं किए हैं। हम लोग तो मोदी के वोटर हैं। इन संजय जायसवाल काम करे चाहे नहीं करे, मोदी को जिता देना है। हाँ मोदी को जिताना है। चल चाचा रुबा का लगता? रुबा बहुत दुनियादारी देख ले बानी, अभी लोग तो अभी कुछ नहीं के देख ले, रुबा ज्यादा देख ले बानी। तो पाँच साल और कोई मोदी जी, फिर मोदी जी। चलो क्या लगता है किसको जीतना है इस बार? हम तो यहाँ का है नहीं, हम नेपाल में। नेपाल में भी खूब चर्चा चलता है, इंडिया में कुछ होता है तो वोट और नेपाल में जब होता है तो इंडिया में चर्चा चलता है। तो आप लोग किसको चाहते हैं? मोदी जी के। नेपाल वाले भी मोदी जी को चाहते हैं? मोदी जी ऐसे हम लोग के सबके यहाँ से सब चीज मदद करते हैं। नेपाल में है क्या, सब मोदी जी ने करते हैं। चलिए नेपाल के लोग भी चाह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ही आए का भाई? हम लोग संजय जायसवाल को वोट थोड़ी देते हैं, मोदी जी को चलते देते हैं।
मोदी जी को जानते हैं, संजय जायसवाल को थोड़ी जानते हैं। आपको क्या लगता है? मेरा मोदी जी जिंदाबाद। इसलिए कि ये महंगाई नहीं है, समझिए सस्ता ही है। पहले गरीब लोगों का पहले मतलब कि घर नहीं पक्का का मकान बनता था, लेकिन आज के डेट में मतलब पहले सब गरीब आदमी को मतलब ये अपना अपना कमा कर मतलब ये अपना घर द्वार बनाकर, और मोदी जी मतलब कि राशन उशन सब दे रहे हैं।